हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी टेक इन्फो। मैं हूं राम और आज हम बात करने वाले हैं कैमटेशिया 2018 ट्यूटोरियल नंबर 9 की, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने किसी भी वीडियो में हम सिनेमैटिक इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इम्पोर्ट मीडिया में, और यहाँ से जो भी फाइल आप जिस भी वीडियो फाइल में आप सिनेमैटिक इफेक्ट देना चाहते हैं उसे यहाँ पर इम्पोर्ट करा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो है जिसे इम्पोर्ट करा लिया है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ट्रैक नंबर 1 पे ले आएंगे, और इस वीडियो का क्रेडिट मैं उसको देना चाहूंगा जिसका ये वीडियो है, क्योंकि इसे मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले इसमें जो फालतू फुटेज है वो मैं काट देता हूं, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। यहां से स्प्लिट और ये डिलीट, ये आ गई शुरू में। इसके बाद सबसे पहले हमें स्क्रीन को खींच के कर देना है फिट। ये आ गया। अब मैं आपको इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिनेमैटिक इफेक्ट देंगे। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एनोटेशन में जाइए। यहाँ से ये एनोटेशन है, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन पे ले आइए यहाँ, ठीक है। और स्क्रीन पे लाने के बाद आपको करना क्या है, इसका जो व्हाइट कलर का जो एनोटेशन है इसका हमें कलर चेंज करना है। यहां से जाइए, स्क्रीन पर आने के बाद आपको करना क्या है, ये एनोटेशन का जो कलर है वो है व्हाइट और इसका जो बॉर्डर है वो है ग्रीन। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये एनोटेशन व्हाइट कलर का है, इसको करना है आपको ब्लैक। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से ले लीजिए ब्लैक कलर, तो ये ब्लैक हो चुका है। इसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का है, इसको भी हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रीन कलर पर क्लिक कीजिए और इसको भी आप कर दीजिए ब्लैक। तो मैंने ब्लैक कर दिया पूरी तरह से। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, इस पर डबल टैप मारिए और बैक स्पेस से इसको कर दीजिए डिलीट, और कहीं पर भी एक बार क्लिक कर लीजिए तो आपका एनोटेशन जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब आपको इसको पूरी स्क्रीन तक खींच देना है, जहां तक भी आपकी स्क्रीन है, कुछ इस तरीके से। और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा छोटा इस तरह से। और अब इसे आपको आपके जो कीबोर्ड में चार एरो होते हैं इसमें ऊपर वाले को आप क्लिक कीजिए और इसको फिट कर दीजिए अपने वीडियो के ऊपर की साइड में। एक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है। कॉपी कर लीजिए यहां से और यहां पर कर दीजिए इसे पेस्ट, और इसको आपको लेना है नीचे की तरफ। तो इसको स्क्रॉल कर लीजिए नीचे, यहां पर। तो आपका यहां पर जो सिनेमैटिक इफेक्ट है वो लग चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जो एनोटेशन है इसका साइज जहां तक आपका वीडियो है वहां तक आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा वीडियो यहां तक है तो मैं इसे यहां तक दूंगा, और दूसरा वाला है इसे भी मैं यहीं तक खींच दूंगा, ताकि मेरा जहां तक वीडियो चले वहां तक सिनेमैटिक इफेक्ट भी काम करे। तो देखिए, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर अपने टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी आपका जो भी टेक्स्ट है चैनल का वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा एक और तरीका है, यहां से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एनोटेशन को डिलीट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां से एक लिंक मिलेगा आपको। वहां से जाके आपको एक PNG फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, और मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट। ये है मेरे पास दो, एक ये है, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ ओपन, और ये यहाँ पर आ चुकी है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लगाएंगे ट्रैक नंबर 2 पे। जैसे ही हम ट्रैक नंबर 2 पे लगाएंगे इसको, तो आपका जो सिनेमैटिक इफेक्ट है ऑटोमेटिक आपके वीडियो में लग जाएगा, और इसे आपको जहां तक वीडियो वहां तक आपको खींच देना होगा। तो बहुत ही आसान है। अब आपको देख सकते हैं इसे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो PNG फाइल है इसमें आ जाता है व्हाइट कलर, तो उसे हम कैसे करेंगे, इंपोर्ट मीडिया। और यहां पर आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का है, तो मैं इसे इंपोर्ट करा लेता हूं यहां पर, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन पर लगाएंगे। तो यहां पर आपकी स्क्रीन कुछ ऊपर की साइड से ब्लैक हो जाएगी और ये हो जाएगा बीच में से व्हाइट। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसे खींच देते हैं जहां तक हमारा वीडियो है वहां तक। ये हमने कर दिया फुल साइज। अब आपको करना क्या है, मोर में जाइए, विजुअल इफेक्ट, रिमूव ए कलर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस पर PNG फाइल पर। जैसे ही आप यहां पर छोड़ेंगे यहां पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो यहां पर जाइए और यहां से व्हाइट कलर को आपको रिमूव करना है। तो जैसे ही आप व्हाइट कलर रिमूव करेंगे यहां पर ऑटोमेटिक सिनेमैटिक इफेक्ट लग जाएगा। तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूं, देखिए।
तो जितने भी तरह के आपने ज्यादातर वीडियो देखी होंगी और मूवी देखी होंगी उनमें सब में सिनेमेटिक इफेक्ट लगा हुआ आता है और ये आपके वीडियो को बहुत ज्यादा शानदार लुक देता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा सिनेमेटिक इफेक्ट लगाकर कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है, और अब आप देखिए बिना सिनेमेटिक इफेक्ट लगाए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है और अब इसका फर्क आप फिर से महसूस कीजिए। तो बहुत ही शानदार वीडियो है। तो आशा करता हूँ मेरा आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।